राधे राधे गुरु जी, जी। राधे राधे गुरु जी राधे राधे भैया आपसे मेरा एक प्रश्न था गुरु जी हाँ हाँ करो मेरा ये मतलब मैं भक्त हूँ तो बेल का बेल तो बेल पत्र तो चढ़ाते हैं और जल भी चढ़ाते हैं दूध भी चढ़ाते हैं हाँ। इनका अर्थ मुझे पता है बाकी के जो ये गेहूँ की जो बाले चढ़ाते हैं और बेल जो चढ़ाते हैं वो क्यों चढ़ाते इसलिए चढ़ाते हैं गेहूं जो है वो अन्न है और जब बालियां चढ़ाते हैं मतलब किसान के खेत में बालियां लहलहा रही होती हैं तभी शिवरात्रि आती है तो मानो किसान कहता है खेत की बालियां तोड़ करके हे भोलेनाथ आपकी कृपा से मेरे खेत में हरी भरी फसल है ये पहला आपको समर्पित कर रहा हूँ तो भोग लगाना है प्रभु को समर्पित करना है वो लेकिन कई कई फसलें तो ऐसी होती हैं गुरुजी जो कि पहले ही कट जाती हाँ तो पहले कट जाती हैं पर विशेष देखो आपके घर में कुछ बने ना बने रोटी जरूर बनती है जी हाँ तो सब रोटी दाल का भोग भले गेहूं चढ़ा दिया मतलब सब चढ़ा दिया आप ये समझो हाथी के पाँव में सबके पाँव आ गए जी एक चढ़ा दिया तो सब चढ़ गया जी और बेर बेर जी। बेरों का सीजन है बेरों का मौसम है तो बेर भी लोग चढ़ा देते हैं भगवान जी को प्रभु जो नया फल है जो भी नई चीज आई वो भगवान को पहले भोग लगानी चाहिए तो गुरु जी और कुछ क्यों नहीं यही क्यों अरे और कुछ भी तो चढ़ता है क्या बेल नहीं चढ़ता शंकर जी को जी चढ़ता फिर और भी तो चढ़ता है बेल भी चढ़ता है केला भी चढ़ता है चावल भी चढ़ता है शंकर जी को दूध भी चढ़ता है सब कुछ तो चढ़ता है भक्त जो लड्डू चढ़ाए पेड़ा चढ़ाए जो चढ़ाए भाव से शंकर जी सब ग्रहण करते हैं जी हाँ एक और प्रश्न था गुरु जी 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 मुझे ये पूछ। जानना था कि गणेश जी का जब शीश काटा हाँ प्रभु शंकर ने हाँ तो वो शीश कहाँ गया जो कि उन्हें मतलब कि क्या बोलते हैं हाथी हाथी का शीश लगाना पड़ा उनका शीश कट गया जी कट जाने के बाद उनका शीश इसकी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कुछ लोगों का मानना है कि उनका शीश जाके ब्रह्मलोक में स्थापित हो गया जी कुछ लोगों का मानना है कि जैसे प्रकृति से बना शरीर है तो उनका शीश जाके प्रकृति में विसर्जित हो गया अर्थात उनका संस्कार हो गया उस शीश का जी तो ब्रह्मलोक में स्थापित है ये भी मान्यता है जी तो उनका ये है एक और प्रश्न है गुरु जी जी कि माना गया है कि मतलब ये वेदों में भी लिखा हुआ है कि महादेव शिव जी की जब शादी हो रही थी उससे पहले भी गणेश जी की पूजा पहले की गई थी बिल्कुल थी तो वो आदि देखो गणेश जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता प्रधानमंत्री पद होता है जो बैठेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा हाँ। उसी तरह गणेश किसी का नाम नहीं है गणेश भी एक पद है जी, जो पहले शंकर जी के विवाह में जिन गणेश की पूजा हुई उन गणेश का नाम था आदि गणेश और आदि गणेश और अभी वर्तमान में हम लोग जिन गणेश की पूजा करते हैं उन गणेश जी का नाम है विनायक वो पार्वती पुत्र बेटा इस तरह माइक ले आना मैयाओं की तरफ मैया किसका प्रश्न है आप में से किसी का हो तो बताओ